और चुरम क्या मैं बता दीजिए। अब तो साला अफजलवा भी मर गया, बंदा कई चाल चलेगा, रहेगा आवाज तो बजेगी बांसुरी कैसे, सही कहते हो, ना सालिर रहेगी गीता तो पढ़ेगी। अब गीता को ना बनाया तो हमारा नाम वारिस मियां नहीं, पैगाम आज के लिए होगी अपने घर, उसकी साली की इज्जत तार तार न किया तो हमारा नाम वारे। चौकीदार चाओ अजय राको लेकर आओ। अजय राय बच्चे एक मौका देना चाहता हूं, अभी सोच ले समझ ले। कौन सा मौका? अरे कबूल कर ले अपने गुनाहों को। मैं कैसे कबूल कर लूं जब मैं किसी का खून किया ही नहीं। ठीक है, अगर तुम ये इल्जाम कबूल नहीं करते हो चौकीदार जाओ एक लठिया ले आओ। हम तो सोच जाओ उसको तो भी याद रखेगा कि कानून क्या चीज होता है। लेकर अजय राय तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता, मैं तेरी जमानत करवा लेता। लेकिन मॉडल करने के बाद तू कबूल नहीं कर रहा है अजय। लगता है बेहोश ही हालत में है। खोलो और चाय इसको अंदर डाल दो। और मैं काफी वैसे भी परेशान हूं, जाकर अपने हेडक्वार्टर में आराम करूंगा। और तुम लोग मादर छो दो, अगर मादर चोरी करने की कोशिश किया तो ये डंडा तेरी हलक में डालकर खड़ा कर दूंगा। ये अंदर है और तुम लोग ड्यूटी गेट की करना। जना सिंह कपलत करने की कोशिश करोगे ना तो मार मारूंगा साले, पहचाने नहीं जाओगे। चलता हूँ ड्यूटी चौकीदार। साहब क्या बताएंगे चौकीदार? जी साहब। के यू बताओ चौकीदार। हाँ अब तो साहब गए। साहब तो गए,
तुम्हारा तो भैया चौकी दीजिए है, हमारी उस संग भैया की चौकी। अरे चौकीदार तुम किस लिए हो, हम सो जाएंगे तुम क्या पहरा दोगे? ना तुम रात भर दे हम दिन भर दे। अच्छा तुम रात भर दे हम दिन भर कर दे रही बात तो ठीक है। हाँ तुम्हारी रात की ड्यूटी हम दिन भर करेंगे। हमारी रात में और तुम्हारे दिन में। चौकीदार रात की तरह जानते सौ 200 रुपए मान ले भूखो भूसा उसा गाड़ी मिल गई। ओ और चौकीदार उसमें तो कौ खर्चा देगी तुम कहे कपड़ा? अच्छा खर्चा घर का आधा आधा है कि नहीं? और क्या सिया बात इसी बात पे चौकीदार चलो और तेरी मेरी यारी है ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है। यह चक्कर हम करे रही हम अब हमारे मन बात है। हाँ वही कसर कलाई निकाल। अच्छा निकाल आओ चौकीदार सारे तेरे कुछ सकराई ली दी छोड़ी। चौकीदार कुछ भी खर्चे पर तो बने जाएगा खर्चा पानी दे दे तो सारे छोड़ दे। चौकीदार जाओ उसके मुंह जिम को ले आओ। चौकीदार क्या साले मर गए? ये देखो चौकीदार चोद देंगे तेल लगा। भैया भैया कहिए मांटी बाप भैया देख लियो भैया हम का जो भैया ना है हम इंगे उंगे ने उंगे की बजाई धर्मा मेरे वो भौजी का है हम ने उंगे की बजाई। हम का तक कोई भैया कहीं से ना हम का आज तक कोई नहीं भैया कहीं हमको भी भैया कोई नहीं कहा चौखैया चौकीदार कहा थे। हाँ यो जान लियो हम कोई पी के हॉलदार कहते भैया ना तो बहुत लड़की। हाँ भैया का भौजी कहा ये हुई नहीं भाई भैया लंगाई मूर्ति मरी हो तुम हमारे मार भी हो जान लियो। आखिर क्या तुम लोग कहे हम का चौखैया चौकीदार कहा करो चौखैया चौकीदार। हाँ बोला शुद्ध शुद्ध बात करे हो ना लौंडाई हमारी मारो माओ खून मिलवा पुखिया हो जान ली ये मतलब पुखिया चुप गाही ओगे भूल गए। हाँ ये ध्यान रखियो हमारा भूल गए क्या नाम है भैया चौखैया चौकीदार। अच्छा चौखैया चौकीदार जी साहब देखो मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हो चाहे दोषी हो थाने आके खर्चा पानी तो देना ही पड़ता है। क्या तुम खर्चा पानी कुछ खर्चा पानी दे दो अरे को छोड़ देंगे। सुनो मेरी बात को हम तुम्हारे दिल बहलाएंगे दिल बहलाएंगे और तुमको दिल बहलाकर उसके बाद में तुमको हवाई जहाज बनाएंगे। हवाई जहाज बिल्कुल अगर तुम हवाई जहाज बना दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। क्या हाँ तो हमें छोड़ दोगे हवाई जहाज बनाएंगे? ठीक है तो
तो तुम्हें मैं हवाई जहाज बना रहा हूँ। तो हवाई जहाज बना दो, छोड़ दी बिल्कुल। जाओ तरह तुम समोसा ले आ जाए, दो चाय ले आओ संग, और सत्ते टाइम हवाई जहाज हम बनाए पर आई जाए, आई जाए फट दे से दोनों और बचिया का और भारतीय उड़ान दिल्ली भाग गए। आप से मुरहत तीन के चले जाना। चौकीदार अच्छे से मुलजिम को रखना। हाँ एक क्या लठिया है, लठिया जब मिलती है तो उससे हो जाए बनता है लाठी, देर बनी है लोहे को बनती रहे उसमें बांस की चिप्पी लगती है। अच्छा चिप्पी लगी है, हाँ कहूँ पर पुर्जा लगती है, लगती है। चलो तो लठी अलाओ पर कुर्सी पर बैठ जाओ, बिल्कुल ये ध्यान रखना। अगर हम हवाई जहाज बन जाए तो ये मत समझना तुम हम लोग बैठे लगे, बहुत टिकट महंगा पड़ता है इसका। आप लोग देखते रहना हम कितनी रेस में उड़ान भरते हैं। अब कुर्सी पर मत बैठो, अब अकेले रहो, नीचे बैठ जाओ, बिल्कुल सिस्टम है सर, हमारे समझ में नहीं आता। वो दो जने थे ये कुर्सी पर बैठा लेते। अच्छा दोनों जने पर लग जाए हो या है? एक ड्राइवर होता है। अच्छा अरे होल्ड ऑन, ठहरो ठहरो ठहरो, उसकी बाद में बात पड़ेगी। अच्छा पहले हम का बना दे, बिल्कुल तुम्हारा पहले काम, अलग अलग उड़ान भरी, बिल्कुल ऐसा हो ये कर लड़ी जाए। और हम जितना काम करें उतना टोकना मत, अगर टोक देंगे तो ये समझ लो उड़ान भर नहीं पाओगे। चौकीदार जहाज बन गए। सुनो हम वो बना रहे थे लेकिन अच्छा। बीच में आप आ गए, चलो आप भी आ गए, अच्छा रहा। ओ दोनों दोनों लोग बल्ले हो गए, दोनों लोग बल्ले। सुनो सुनो तुम मना हेलीकॉप्टर हम पानी में जहाज बनेगा, पानी में ठीक ठीक दोनों लोगों को बनाएंगे हम, लेकिन एक लठिया और होगी, बिल्कुल क्या चौकीदार, चौकीदार एक और लठिया लाई। आपके पास साफा तो है? हाँ है ना, है साफा, तो है साफा यार ससुर चौकीदार जो कौन मंत्र है जो कपड़ों लगे हैं, अब कहूँ पर साग रह जाते हैं हुआ पर लगे हैं। हाँ सही बात कह रहे चौकीदार, तुमको नहीं पता चौकीदार पता। तुम लोग लाइन से बैठ जाओ, बिल्कुल कुर्सी पर बनेगा नहीं, अगर कुर्सी पर बनाएंगे तो कुर्सी लेकर कहाँ जाओगे? Thank you.
चौकीदार और हवलदार, चलो उड़ो। तुमने हमारे साथ में क्या किया है? हमारे साथ में झूठा अब चल रहा है, और आए तुम्हारे साहब उससे कह देना वो जा रहा है और चला गया। ये साले क्या कबड्डी खेल रहे हैं? उरा क्या बने हो? हेलीकॉप्टर बने हो? बहुत अच्छे। अरे इसीलिए थाना चौकी डिपार्टमेंट सारा बर्बाद हो रहा है। तुम साले यहाँ कबड्डी खेल रहे हो थाने के अंदर? प्यास लगी हमका बहुत जोर। कौन आया? नायब बंदर है मुलजिम। अच्छा, अजय राय। अजय राय कहीं नहीं हमका भैया चौकीदार पानी पिया दो। अच्छा, हम पानी पिया हुआ लगे तो कहीं टट्टी लगी तो हम लेटरीन में ले जा रहे तो कहीं चलो साथ में हम गए ना। हाँ? और फिर कहीं तुमका एक चीज जादूगरी सिखाई दी। अच्छा, हम वही के चक्कर में आई गए। वो कहीं तुमका हेलीकॉप्टर दोनों जने बनाई दी। अच्छा, तो हम सोचे हेलीकॉप्टर बन ले गर लखनऊ गर दिल्ली। हाँ हाँ, साले हवाई जहाज बन गए। जाओ अजय राय को निकाल करके बाहर ले आओ। क्या कहा? क्या कहा? अजय राय, अजय राय फरार हो गया। चौकीदार, बस 5 मिनट लगे साहब। कितना समय हो चुका होगा? एक मिनट। चलो स्टार्ट करो गाड़ी, चलते हैं उसका पीछा करेंगे। अरे अजय राय, तुम क्या समझते हो कि हम तुमसे धोखा खाने वाले नहीं? तुम भाग कर नहीं जा सकते हो। आ रहा हूं मैं तेरे पीछे, बढ़ा पैदम अजय राय। मुझे कोई कीमत में तुम नहीं पकड़ सकते हो। तुम्हारी क्या औकात है? मैं चलता हूँ। सकता है मेरा
तुमसे कुछ कहने ना चाहता इंस्पेक्टर कमान कटिंग रे पिए ओ तू तो बचा दे रे मार कटो पीछे पड़ी है भैया 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 यही रास्ता आगे सामने दिखाई पड़ रहा है और मैं निकल लो और निकलते हुए इस दरिया पार करते हुए इस जंगल को चला जाऊंगा। मैं पुलिस के हाथ में कभी नहीं जिंदगी में नहीं आऊंगा। ओ चलो ओ पकड़ लिया रे ये क्या साले किया तूने दिमाग पे आता है तुम लोगों का गला खोल सर इसका बूस्टर चलो अभी पहुंचा होगा पड़ोस में ये सामने दरिया है बस ये दरिया को जाएंगे क्योंकि पुलिस मेरे पीछा नहीं छोड़ रही है क्या मेरे मालिक क्या मेरे भगवान तनूर लोह बचगा चौकीदार हाँ मैं समझ गया शायद मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है इसलिए उसके पैर में गोली लग चुकी है हाँ। और फिर भी वो निकल गया चलो लगता है क्या ये मैं क्या देख रहा हूं मैं अपने भाई का हत्यारा जब दोनों लोग कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे अपने भाई को सीने से लगा करके साथ साथ खाना खाते थे लेकिन आज लेकिन नहीं ठीक है लेकिन फिर भी ये कानून कभी गंदा नहीं होने दूंगा मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा चाहे क्यों ना अपने भाई की जान से हाथ धोना पड़े चलो चलो लगता है अब वो नहीं मिलने वाला है चौकीदार चलो गाड़ी वापस करो चलो वापस करो गाड़ी थाने की तरफ चलते आओ चलते चढ़ा किया मेरे भाई और तेरे दर देश दिल मेरे भैया और तेरे दर देश दिल हायावादी रहा कुछ बोल गए कुछ याद रहा
साथीगण कहिए सरदारजी क्या कहना चाहते हो? हमारे पास मसाले का इंतजाम कुछ ही पलों में हो जाएगा, तब तक हम पहाड़िया का इंतजार करते हैं, देखते हैं। जय माता दी। भाई श्याम मठरूलाल चौकीदार बासी की तरफ से 20 रुपए पार्टी में हाजिर है, पार्टी धन्यवाद दे रही। साथीगण कहिए सरदार जी, इस वक्त आज चलते हैं उस दरिया की ओर और काफी टाइम से प्यास लगी है, चलते हैं उस दरिया के पास पानी पीते हैं। यज्ञ भाई साहब टीकाराम गुप्ता मरई हरदोई की तरफ से 201 रुपए पार्टी में हार दे रहे हैं, पार्टी हार्दिक धन्यवाद। ये बियावान जंगल से आवाज देखो कौन इंसान है। पहले नंबर में इसकी तलाशी लो, कोई पुलिस का मुखबरी तो नहीं है। क्या है, क्या है बताओ तो। हम कहीं कोई औजार हूं, इससे पूछो क्या नाम है तुम्हारा। इधर आओ लौंडे, कहां के रहने वाले हो, क्या नाम है ए लड़के, और नाम क्या है तुम्हारा, अरे बता दीजिए।
करना चाहते हो? सुनो मेरी बात को। और नमो चरण मेरा भाई सुन लीजिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और रंजी गम की कहानी बता दीजिए, क्या नाम तुमने बताया? संजय राय। एक जो लड़की थी उसका खून हो गया था और उस खून के इल्जाम में फंसा दिए गए और उसके बाद में इंस्पेक्टर है इस थाने के। इंस्पेक्टर तुम्हारा भाई है क्या? जी हाँ। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आप मेरे भाई नहीं है, मेरे दुश्मन है। उसके बाद में मैंने सब कुछ कहा है लेकिन मेरे भैया को मेरे ऊपर विश्वास नहीं आया और इसलिए उसको जेल में डाल दिया। वहां से कुछ चौकीदार लोग थे, वहां चकमा देकर फरार हो चुके। हम पता नहीं कैसे कैसे निकल सके और निकलते हुए हमका कोई रास्ता नहीं दिखाई, हम इस जंगल के तरफ चल बैठे। अच्छा बेटा, यह बात ऐसी है, हमारे पास आए हो तो ये समझ लो। कौन सी बार कि हमारे साथ में रहोगे, कोई भी हमारे साथी या अन्य लोग जो है मेरे साथ में रहते हैं, क्यों नहीं? किसी साथी के साथ गद्दारी, धोखेबाजी, मक्कारी सही करोगे? बिल्कुल। तो ये लम्हानी और प्रतिज्ञा करो, कसम खाओ, किसी साथी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये लो। इस मां भवानी की कसम खाकर कहता हूं, अपने किसी के साथ साथियों के साथ में मैं गद्दारी और मक्कारी नहीं करूंगा। एक गन वाले समझ जाओ, सुनो मेरे, और दुनिया बदल चाहे जमाना खिलाफ हो, दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलना चाहे। अगर तीर बनकर तुम चलोगे, अगर तीर बनकर तुम चलोगे तो मैं दवा हो जाऊंगा, और मरीज बनकर तुम चलोगे तो कहो सरजायर, जाओ तुम्हारी इच्छा होगी वही हम काम करेंगे। अब चलो तुम भाई को लेकर के चले हैं। चलो वहाँ तुम्हें काला निवास धारण करना पड़ेगा। क्या पढ़ाओ पैगाम? काले ही कपड़े पहनना पड़ेंगे। चलते हैं, अपने गृह के कुछ रसूल होते हैं ला। चलो चलते हैं। हेलो
है निकल आओ दिनवा फुहरो ना जागे निकल आओ बताऊं आज मैं घर में अकेली हूं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है मैं अपने कमरों में आराम करती हूं। यही तो गीता देखते हैं इस कमरे में अकेले बैठी है और सारा होगा कौन? अब चलवा तो मर गया, तो मर गया। अब अकेले साली शोक मना रही होगी अब्दुल का। अब चलते हैं कमरा के अंदर। हम बहुत लागू आदमी है, बह के जान कबजे सारे को खा ले, वो हट्टो पटना ही है, पूरा पल्ला बाहर कर ली है। क्या बात है जानब, क्यों इतना उछल उछल कर चल रही हो? क्यों आयुष मिया, अगर तुम्हें घर के अंदर ही घुसना था तो बाहर से हाँक दी होते, क्यों मैं दरवाजा नहीं खोलती जो तुमने कुंडी तोड़ दिया? बाहर से हाँक राशन कार्ड हमारे दोस्त प्रधान ने बनवाया था, हमको पूछने की बात, हमारी रियासत का बड़ा जलवा है। और प्रधान जी की पक्की तो कैसे निकालो नी? क्यों नहीं? थोड़ी सी बात मान जाओ मेरी जान, कसम पैदा करने वाले की तुम बन के पहले से थाने गए थे तब सर, अब तुम्हारा दिमाग ठंडा नहीं हुआ? थाना तो हमारा जलवा है, जाओगे अब की थाने अगर जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। और जुर्म क्या है बता दीजिए, बना